मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सुबह करीब 8 बजे शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद, नायब शहर इमाम सैयद मुफ्ती फहद और सांसद एसटी हसन एक साथ ईदगाह पहुंचे। गल शहीद इलाके की ईदगाह में नायब शहर इमाम सैयद मुफ्ती फहद ने बकरीद की नमाज पढ़वाई। इसके बाद शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने दुआ की, साथ ही भारी संख्या में नमाजी भी मौजूद थे। बकरीद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन द्वारा ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी क्रम में शांतिपूर्ण तरीके से ईदगाह में नमाज अदा हुई। सपा सांसद एसटी हसन ने भी ईदगाह में नमाज पढ़ी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आसपास के मकानों पर रूट टॉप ड्यूटी लगाई गई थी। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। ईदगाह के 3 किलोमीटर पहले से ही चारों तरफ से वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया था। रोडवेज पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी।